हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस का चैप्टर क्लास वन का माय बॉडी और पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम बच्चों को माय बॉडी और पार्ट्स ऑफ बॉडी में हम इस तरह से सब बॉडी पार्ट्स बताएंगे कि हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इस तरह के एक्सप्लेनेशन से बच्चों को ये बताएंगे। उसके बाद हम उनको थोड़ी सी इसके बारे में समरी बताएंगे कि बॉडी पार्ट्स हमारे लिए क्यों हेल्पफुल हैं। और बॉडी इज लाइक अ वंडरफुल मशीन, हमारी जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह है। इट इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स, ये बहुत सारे पार्ट से बनी हुई है। ईच सच पार्ट इज कॉल्ड एन ऑर्गन, और हर पार्ट को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। ऑल दीज ऑर्गन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन फॉर आवर बॉडी, ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए अलग अलग फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। इस तरह से हम बच्चों को अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी या बॉडी के बारे में ये बताएंगे। उसके बाद हम उनको बताएंगे कि बॉडी पार्ट्स किस तरह किस किस यूज में आते हैं हमारे। तो हमारा हैंड हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है, और हमारी लेग्स हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है। वी डू विद आर हैंड, जो जो चीजें हम अपने हैंड से कर सकते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे। वी डू विद आर लेग, जो जो हम चीजें अपनी लेग से कर सकते हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जिस तरह से पेंटिंग, राइटिंग, क्लैपिंग, कटिंग, ईटिंग, ये सब हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, अपने हैंड की हेल्प से। और ये सब हम अपनी लेग्स की हेल्प से, जंपिंग, क्लाइंबिंग, रनिंग, स्किपिंग, वॉकिंग, इस तरह से हम बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे। उसके बाद हम बच्चों को, अगर हमने बच्चों को चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ाया है तो हम बच्चों को एक्सरसाइज करने में ये बहुत ही ईजी रहेगा। उसके बाद हम इस तरह की एक्सरसाइज पे आते हैं। टेक द करेक्ट ऑप्शन, ईच पार्ट ऑफ आर बॉडी इज कॉल्ड, देखिए आप यहीं पे यही मैंने वहां पर बताया था और उसी तरह से उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। ईच पार्ट ऑफ आर बॉडी इज कॉल्ड ऑर्गन। वी यूज हैंड टू पेंट, टॉक, हियर पेंट। वी यूज लेग्स टू वॉक। उसके बाद आ जाता है सर्कल द ऑड वन आउट, इसमें से जो ऑड है उसको हम आउट करेंगे। नोज, आईज, ईयर, लेग्स, इनमें से ये देखो ये फेस के पार्ट्स हैं और ये लेग जो है वो अलग है, इनमें से ऑड है इसलिए उसको सर्कल करेंगे। लेग्स, नीज, टोज, आईज, इनमें से आईज जो है वो डिफरेंट है, उसको ऑड है उसको करेंगे। हैंड्स, टंग, फिंगर, पाम, इनमें से टंग जो है वो डिफरेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट एनी टू थिंग्स यू डू विद योर विद द फॉलोइंग, आप माउथ से कोई भी जो चीजें करते हैं आप उसका नाम लिखेंगे, और फिंगर से जो चीजें करते हैं आप उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर माउथ से हम क्या करते हैं, ईट, तो हम ईट लिखेंगे, और हम क्या कर सकते हैं माउथ से, स्पीक, तो हम यहाँ पर स्पीक लिखेंगे। फिंगर से हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, और फिंगर से हम क्या करते हैं, चीजों को होल्ड करते हैं, तो हम यहाँ पर होल्ड लिखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, यहाँ पर ऑप्शन दी गई है इसमें से बच्चे को यहाँ पर फिल करना है। आई एम अ बॉय और अ गर्ल, अगर बॉय है तो बॉय लिखेगा और गर्ल है तो गर्ल लिखेंगे। आई यूज माई डैश टू वॉक स्कूल, लेग्स। आई नॉड माई हेड टू से येस और नो, जहां जहां पर बच्चा जिसको करता जाता है फिल उसको टिक करेगा ताकि बच्चे को कंफ्यूजन ना रहे। आई यूज माई डैश टू क्लैप हैंड। आई बेंड माई डैश टू सिट ऑन द फ्लोर, मैं क्या बेंड करती हूँ फ्लोर पे बैठने के लिए, नीज। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। फिल इन द मिसिंग लेटर टू नो द वर्ड, यहाँ पर मिसिंग लेटर दिए और यहाँ पर क्लू दिया है बच्चे को, यहाँ पर इसको फिल करना है। वी यू स्टैंड ऑन मी, हम किसके ऊपर खड़े होते हैं, फीट। आई शेप इन टू अ स्माइल, माउथ, एम ओ यू टी एच। यू कैरी योर बैग ऑन मी शोल्डर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समटाइम वी यूज नेम ऑफ आर बॉडी पार्ट्स टू डिस्क्राइब द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। इस तरह से यहाँ पर बॉक्स बनाया गया है। कई बार क्या होता है, हम अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके नाम को हम किसी दूसरे चीज के लिए भी यूज करते हैं। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स में कौन कौन से चीजें आ जाती हैं, हेड, आई, लेग्स, हैंड्स, आर्म, नेक, टीथ, इस तरह से इन नामों को, इन नेम्स को हम किसी दूसरे चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज करते हैं। उसी से हम रिलेटेड आज ये एक्सरसाइज करेंगे। द डैश ऑफ ए क्लॉक, क्लॉक की क्या होती है, हैंड्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैंड्स। द डैश ऑफ ए चेयर, चेयर की क्या होती है, आर्म्स। द डैश ऑफ ए टेबल, टेबल की क्या होती है, लेग्स, फोर लेग्स टेबल की, और थ्री लेग्स अकॉर्डिंग टू डिपेंड अपॉन टेबल। द डैश ऑफ ए कॉइन, कॉइन का क्या होता है, हेड और टेल हम कहते हैं ना। द डैश ऑफ ए नीडल, आई। द डैश ऑफ ए बॉटल, नेक। द डैश ऑफ ए कॉम्ब, टीथ।
उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर सम पार्ट्स ऑफ आर बॉडी आर इन पेयर वाइल सम आर सिंगल। कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो पेयर में हैं और कुछ हमारे बॉडी पार्ट सिंगल हैं। यहाँ पर हेल्प बॉक्स है, इसमें से बच्चे को चूज करके जो पेयर में है वो पेयर की जगह पर लिखना है और जो सिंगल में है वो यहाँ पर बच्चे को सिंगल की जगह पर लिखना है। जैसे आईज है, फर्स्ट आईज हमारे पास पेयर में होती है तो हम यहाँ लिखेंगे। टंग है, टंग हमारे पास सिंगल होती है तो हम यहाँ पर लिखेंगे। आप इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों को करवाने के लिए। उसके बाद है नोज, नोज हमारे पास सिंगल है तो हम यहाँ पर लिखेंगे। और हमारे पास हैंड, हैंड हमारे पास पेयर में है तो हम यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ से बच्चे को वर्ड चूज करके यहाँ पर फिल करने हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आई एम अनिल, आई वॉन्ट टू प्ले टेनिस। मैं अनिल हूँ और मुझे टेनिस खेलना है। विच पार्ट ऑफ माई बॉडी विल आई यूज। मैं अपने बॉडी पार्ट में से किन पार्ट को यूज करूंगा खेलने के लिए। तो इसमें आ जाएगा हैंड्स एंड लेग्स। वो अपने हाथों को यूज करेगा और लेग्स को यूज करेगा। आई एम परी, आई वॉन्ट टू स्किप। विच पार्ट ऑफ माई बॉडी विल आई यूज। मैं परी हूँ, मुझे स्किपिंग करनी है। विच पार्ट ऑफ माई बॉडी विल आई यूज। इसमें भी क्या आ जाएगा, स्किपिंग के लिए बहुत हैंड्स और लेग्स की जरूरत होती है, हैंड्स एंड लेग्स। उसके बाद आ जाता है आई एम प्रिया, आई वॉन्ट टू राइट। उसने मैं प्रिया हूँ और मुझे लिखना है। विच पार्ट ऑफ माई बॉडी विल आई यूज। मैं किस पार्ट को यूज करूंगी, इसमें सिर्फ आ जाएगा हैंड्स। तो फ्रेंड इस तरह से हम बच्चों को इस एक्सरसाइज के थ्रू हम माई बॉडी पार्ट्स और माई पार्ट्स ऑफ बॉडी की हम रिविजन करवा सकते हैं, टेस्ट शीट दे सकते हैं बच्चों को। तो मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, यूजफुल लगी है अपने बच्चों के लिए, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।